गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। गुरु की भूमिका आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या होती है? सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? क्या सद्गुरु शक्तिपात करके शिष्य को ऊंचा उठा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमको नहीं मिल पाते, तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में मार्गदर्शक की गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चा अपना पठन पाठन आरंभ करता है तो विद्यालय में शिक्षक से लेकर घर में माता पिता तक सभी गुरु की भूमिका निभाते हैं। लौकिक समृद्धि एवं भौतिक प्रगति के प्रबंध में भी यही बात मानी जाती है। पुरुषार्थ तो हमको स्वयं ही करना पड़ता है, पर उंगली पकड़कर चौराहे के भ्रम जंजाल से मुक्त करके सही रास्ता दिखा देने का कार्य गुरु ही कर सकते हैं। गुरु की महिमा गाते शास्त्रकार थकते नहीं, मनीषीगण निरंतर यही कहते आए हैं कि आत्मिक प्रगति के बिना गुरु की सहायता से संभव नहीं है। आत्मिक प्रगति बिना गुरु की सहायता के संभव नहीं, आत्मकल्याण का द्वार इसके बिना खुलता ही नहीं है। सारी साधनाओं की सफलता सद्गुरु के मार्गदर्शन पर निर्भर है। इसके लिए व्यक्ति विशेष को गुरु मानने की भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु उसका कार्य एक ही है, व्यक्ति को सद्गुरु की पहचान करा देना, उपासना की सही दिशा दे देना तथा अध्यात्म पथ का पथिक बना देना। यात्रा पूरी करने में हमें अपने पैरों का सहारा लेना होता है। लाठियां तो सहारा भर देती हैं, सद्गुरु हमें पार उतारते हैं, पर उन तक पहुंचने के लिए शरीरधारी गुरु की भी अपने ढंग से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सद्गुरु कैसे हों, उनकी पहचान क्या हो, इस विषय में आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, जो श्रुति के ज्ञान से युक्त हों, पाप रहित हों, कामना शून्य हों, श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हों, ईंधन रहित अहित अग्नि के समान शांत हों, अकारण दयालु हों और शरण में आए हुए सज्जनों के हितैषी हों, इतनी विशेषताएं गुरु में हों और पात्रता तथा असीम श्रद्धा शिष्य में हों, तो वो आदान प्रदान संभव होता है जो आत्मिक प्रगति में सहायक होता है। रामकृष्ण परमहंस बनने के लिए जन्म जन्मांतरों की साधना जरूरी है, पर विवेकानंद बनना, पात्रता अर्जित करना सरल है। समुद्र बनना कठिन है, परंतु उसका जल लेकर मेघ बनकर उड़ना सरल है। पारस मणि बनना कठिन है, पर लोहे का उसे छूकर सोना बन जाना सरल है। चाणक्य जैसी प्रचंड सत्ता अग्निपुंज बन सकना हर किसी का काम नहीं। रामदास बनने के लिए तलवार की धार पर चलने जैसी साधना करने का साहस सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होता, परंतु शिवाजी के रूप में एक नगण्य से व्यक्तित्व वाला बालक भी छत्रपति के रूप में विकसित हो सकता है। श्वेता श्वेतरोपनिषद में ऋषि लिखते हैं, जिसकी अपने अभीष्ट देव के प्रति प्रगाढ़ भक्ति होती है और उस देव के समान ही गुरु के प्रति भी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, उस महापुरुष को सारा ज्ञान स्वमेव प्रकट हो जाता है। लेकिन साथ ही कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। ऐसा ना हो कि कोई गुरु पद का स्वांग रचने वाला गुरु बनकर बैठा हो और अपने साथ साथ अपने शिष्य को भी डुबा रहा हो। सही एवं सफल मार्गदर्शक की तलाश में निकले जिज्ञासु पथिक को जहां श्रद्धालु होना चाहिए वहीं सतर्क भी होना चाहिए, अन्यथा इस धूर्तता के युग में किसी अनाड़ी छलिया के जाल में फंसकर प्रगति तो दूर जो पास में था उसे भी गवा बैठेंगे। इसीलिए कहा गया है, आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को बौद्धिक ज्ञान से परे
परब्रह्म की स्थिति के अनुभवी अध्यात्म शास्त्र में निष्णांत गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। शक्तिपात क्या होता है? क्या गुरु शक्तिपात कर सकते हैं? गुरु द्वारा अपनी शक्ति हस्तांतरित करने, अपने तेजोवलय द्वारा चक्षु वाणी स्पर्श से शिष्य की क्षमताओं को विकसित करने की घटनाओं का उल्लेख योग ग्रंथों में स्थान स्थान पर आया है। साधना पथ पर चलने वाला प्रत्येक साधक जिज्ञासु होता है कि शक्तिपात क्या है, किस सीमा तक ये वैज्ञानिक है, उसकी प्रक्रिया क्या है एवं क्या प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समर्थ व्यक्ति महापुरुषों के अनुदान प्राप्त कर सकता है, पात्रता विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है, सामान्य व्यक्ति इसकी परख कैसे करे, ये ऐसे प्रश्न हैं साधना मार्ग की ओर उन्मुख हर साधक जानना चाहता है। योगीराज अरविंद एवं माताजी स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद, युक्तेश्वर गिरी एवं योगानंद जी, इनके प्रसंगों में इसी प्रकार के वर्णन मिलते हैं। शैव धर्म में तो शिष्य के कल्याण का मूल कारण शक्तिपात को माना गया है। जिस शिष्य को इसका लाभ नहीं मिल पाता, उसका कारण बताते हुए कहा गया है, कषाय कल्मशों की अशुद्धि अविद्या अनुचित आचरण वाला मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, नहीं शक्तिपात का भी लाभ उठा पाता है। अथवा प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि जिसे गुरु की शक्ति नहीं मिली वो मुक्ति नहीं पाता, तथा कषाय कल्मशों से आच्छादित अंतःकरण लिए अविद्या अनाचरण युक्त जीवन बिताता है। गुरु के सुपात्र शिष्य को प्राप्त अनुदान उसे सामान्य से असामान्य बना देते हैं शक्तिपात द्वारा। परंतु इस क्षेत्र में भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। शक्तिपात के नाम पर गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित भी किया गया है। तथाकथित गुरुओं ने ऐसे जाल जंजाल खड़े कर दिए जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति भटक सकता है, इसीलिए इसके वास्तविक स्वरूप को जानना आवश्यक है। चरित्र की उत्कृष्टता एवं व्यक्तित्व में उदार आत्मीयता ही गुरु अनुग्रह की वास्तविक उपलब्धि है। जिस भी साधक में ये जितनी अधिक मात्रा में दिख पड़े, समझना चाहिए गुरु कृपा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से उसी अनुपात में उस साधक को मिली हुई है। आज के लिए इतना ही।